तो वेल, एक ऐसा शो जिसे कि मेनली बच्चों के लिए बनाया गया था, बट वो बच्चों के साथ साथ टीनेजर्स में भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। उस शो में हमें एक बड़ा सा कैंडी किंगडम और वहाँ की एक प्रिंसेस एंड दो बेस्ट फ्रेंड की कहानी को दिखाया गया था। बिल्कुल सही, आज हम बात करने वाले हैं एडवेंचर टाइम के बारे में। एडवेंचर टाइम एक ऐसा शो था जिसे कि मेनली सही में बच्चों के लिए बनाया गया था, बट मेरे जैसे जो टीनेजर थे उन्हें भी ये शो इतना ज़्यादा पसंद आया कि इसने कार्टून नेटवर्क को बहुत ही ज़्यादा रेटिंग दी। बट अब ये शो क्यों नहीं आता है चैनल पे? एंड ऐसा क्या हुआ इस शो के साथ कि इसे बंद करना पड़ गया? एंड हाँ, इसके कुछ हिंदी डबिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसे हिंदी में डब किया था, उसी की वजह से हमें इसमें इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा था। एंड ये शो बना कब था? वेल, इतने सारे सवाल हैं हमारे दिमाग में, तो क्यों ना उस सवालों के जवाब ढूंढे जाएं? तो वेल, आइए हम और आप मिलके इन सवालों के जवाब जानते हैं। तो लेट्स बिगिन। एडवेंचर टाइम और मस्ती के साथ जाएंगे दूर लेके हाथों में हाथ, चोगी है जेक और फिन इंसान, क्या टाइम हुआ है एडवेंचर टाइम। वेल, ये शो अमेरिकन फैंटेसी एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज थी जिसके क्रिएटर थे पेंडल्टन वार्ड और इसे कार्टून नेटवर्क पर दिखाया जाता था। ये एक साइंस फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी शो थी जिसमें कि हम सभी को भर भर के कॉमेडी दिखाया जाता था। वेल, इस फेमस शो के डायरेक्टर थे लैरी लिचलिटर, हाँ कुछ ऐसा ही इनका नाम है, तुम यहाँ पर आराम से पढ़ लो। तो वेल, ये शो इंडिया में एयर होना स्टार्ट हुआ था 5 अप्रैल 2010 से। इस शो का हर एपिसोड लगभग 11 मिनट के अराउंड रहता था और इस शो को मेनली हाथों से एनिमेटेड किया जाता था, एंड इसी वजह से एक एपिसोड को ही बनाने में 8 से 9 महीने तक का समय लग जाता था। सोच रहे हो, 8 से 9 महीने। बट इसी रीज़न से ये लोग सिर्फ एक एपिसोड पे काम नहीं करते थे बल्कि एक साथ कई सारे एपिसोड्स को ये लोग बनाते थे, जिससे कि भले ही 8-9 महीने लगे लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो। वेल, जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि ये शो मेनली दो बेस्ट फ्रेंड के ऊपर ही घूमती है, जिसमें से एक का नाम फिन एंड दूसरे का नाम जैक रहता है। जो फिन है वो तो एक नॉर्मल लड़का है, बट जो जैक है उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स है। वो अपने साइज को चेंज कर सकता है, छोटा बड़ा नाव बना सकता है, मतलब नाव बन सकता है वगैरह वगैरह। जैसे कि हर शो को बनाने के लिए कुछ ना कुछ मकसद होता है या कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तभी वो शो बनता है, नहीं तो कोई हवा में ही ऐसे शो नहीं बनाता। तो वैसे इस शो को बनाने का आइडिया इनके डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर जो भी है उनके पास कहाँ से आया? तो वेल, इसका जवाब है 2007 में एक शो एयर किया गया था निकटून्स पे और वो एडवेंचर टाइम की ही थी और वो एक शॉर्ट फिल्म थी 7 मिनट की, जिसे 2007 में रिलीज़ किया गया था। और वो शो का क्लिप इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि इन लोगों ने इसके ऊपर पूरा का पूरा शो ही बना डाला। इस शो के फेमस होने का एक और कारण ये भी था कि इनके कैरेक्टर्स, इनके जो मेन कैरेक्टर्स थे वो कुल 6 थे और इनकी ही वजह से इस शो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था, जिसमें से पहला था फिन, दूसरा था जैक, तीसरी थी प्रिंसेस बबलगम, चौथा था आइस किंग, पांचवा था मार्सलिन एंड छठा था बीमो। तो अब जब हमने इनके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान ही लिया है तो साथ ही साथ इसके वॉइस एक्टर्स के बारे में भी जान लेते हैं। पहले बात करते हैं फिन की, तो फिन को वॉइस दी है विदित कुमार ने। अनफॉर्चुनेटली हमें इसकी पिक नहीं मिली, सो इसके बारे में ध्यान से सुनना। फिन के जो वॉइस आर्टिस्ट है विदित कुमार, उन्होंने अब बहुत सारे शोज़ में भी अपनी वॉइस को दी है, जिसे कि तुम्हें जानना चाहिए। पहला है बाल गणेश, बाल गणेश 3, बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड जो कि 2017 में आई थी। इन सभी शो में विदित कुमार ने अपनी वॉइस दी है। अगर इन शो के बारे में सुनने से ही तुम्हें अंदर से जोश आ गया कि ये एक लेजेंडरी पर्सन है, इन्होंने इतनी सारी शो में अपनी वॉइस दी है, तो ठहर जाओ। इसके अलावा भी और भी कई कैरेक्टर्स हैं जिनके वॉइस आर्टिस्ट ने और भी लेजेंडरी मूवीज़ में अपनी वॉइस को दी है। अब बात करते हैं जैक की, तो जैक को वॉइस दी है ललित अग्रवाल ने। और ललित अग्रवाल ने कौन कौन सी मूवीज़ में काम किया तुम जानना चाहते हो? तो ध्यान से सुनो, इसने काम किया है मैं हूँ लक्की द रेसर में, जो प्रकाश राज है उनमें अपनी वॉइस दी है हिंदी डब में। उसके बाद द रियल जैकपॉट, उसमें जो सुमन तलवार है उनको अपनी वॉइस दी है इसने हिंदी में। उसके बाद बैटमैन की एक मूवी में जैक निकल्सन नाम के एक व्यक्ति को इसने अपनी वॉइस दी थी। तो वेल, अब हम बात करते हैं आइस किंग की जान प्रिंसेस बबलगम के बारे में। तो वेल, प्रिंसेस बबलगम और बीमो को एक ही वॉइस आर्टिस्ट ने अपनी वॉइस दी है और उसका नाम है उर्वी अशहर।
इन्होंने भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को अपनी वॉइस दी है, जैसे कि फिनियस एंड फॉब में कैंडेस को। कैंडेस हमेशा बोलती है ना, मॉम, फिनियस और फॉब टाइटल सीक्वेंस बना रहे हैं। उसके बाद ड्रैगन बॉल जेड में एंड्रॉइड 18 एंड इसने नरूटो में भी अपनी वॉइस दी थी, लेकिन नरूटो के ओल्ड वर्जन में जो कि आई थिंक 2010 या पता नहीं कब आई थी। नेक्स्ट है आइस किंग आदित्य राज ने, एंड ना ही मुझे ये पता है कि इसने किस किस एनिमेशन में अपनी वॉइस दी है और ना ही ये पता है कि इसका चेहरा दिखता कैसा है। पता नहीं ये इतना मिस्टीरियस क्यों है, खैर छोड़ो। आखिर में हमारी आती है मार्सलिन, जिसको वॉइस दी है परिग्ना पांड्या शाह ने। मुझे उम्मीद है मैंने इसका नाम सही से प्रोनाउंस किया। तो वेल, ये हो गए सबके वॉइस एक्टर्स के नाम। अब बात करते हैं फाइनली व्हाट द रीज़न व्हाई दिस शो गॉट बैंड। हाँ सही से, शायद से अच्छी इंग्लिश में सही थी ना इंग्लिश, खैर छोड़ो। तो अब बात करते हैं ये शो बंद क्यों हुआ। तो वेल, इस शो के बंद होने का कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि इसकी रेटिंग कम हो गई ये वो, बल्कि इसकी रेटिंग तो बहुत अच्छी थी। आई थिंक इसकी रेटिंग 4.5 के आसपास थी, तुम यहाँ देख सकते हो स्क्रीनशॉट। तो वेल, ऐसा क्या हुआ था कि ये बंद हो गया था। तो वेल, ध्यान से सुनो, इस शो के बंद होने का जो रीज़न था वो ये था कि इस शो का कहानी ख़त्म हो चुका था। वेल हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि 2018 को ये शो बंद हो चुका था, बट जो 2016 है आई थिंक 29 सितंबर 2016 को, हाँ 29 सितंबर 2016 को इसके जो क्रिएटर है और डायरेक्टर है उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि 2018 को ये शो बंद हो जाएगा इसके 10 सीजन के साथ। एंड मैंने तुम्हें शुरू में बताया नहीं ना इसके कितने सीजन थे। ओ हाँ सॉरी, मुझे माफ़ करना। तो वेल, इसके टोटल 10 सीजन्स थे और इसके एपिसोडों की जो संख्या थी यानी कि नंबर्स ऑफ एपिसोड्स वो थे 283। तो हाँ, इसका मेन रीज़न वही था बंद होने का कि इसकी कहानी पूरी हो चुकी थी और ये उसे और लंबा नहीं खींचना चाहते थे, जिस कारण इस शो को बंद कर दिया गया। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इस शो में रेटिंग बहुत ही अच्छी थी, इसने जो कार्टून नेटवर्क को TRP दी थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ऊंचे लेवल पे इसने कार्टून नेटवर्क को ले गया था। सो अब फाइनली बात करते हैं जिन्होंने वीडियो को इतनी लास्ट तक देखा उनके लिए एक स्पेशल फैक्ट, फैक्ट नहीं एक ट्रिक, हाउ टू वॉच एडवेंचर टाइम, एडवेंचर टाइम को फिर से कैसे देखें एंड अपने बचपन को वापस से कैसे जगाएं। तो वेल, एडवेंचर टाइम को अगर तुम्हें शुरू से देखना है, शुरू से क्या मतलब, तुम्हें एडवेंचर टाइम के हर सीजन हर एपिसोड मिल जाएंगे। उसे देखने के लिए सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जाना है www.deadtoons.com एंड वहाँ पर जाके तुम एडवेंचर टाइम के ही नहीं बल्कि और भी कई एनिमे, कार्टून्स, एनिमेशन सब कुछ देख सकते हो। तो जाओ आराम से चेक करना एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेटिव नहीं कुछ भी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता इसमें मैं आगे क्या डालूंगा, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है, शायद से इसी वीक में मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो। एंड उतने दिन से मैं जो गायब था वो मैं अभी बता रहा हूँ, फाइनली मेरा नरूटो ख़त्म हो चुका है, मैं उतने महीनों से नरूटो देख रहा था एंड वीडियो पे काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। एंड आगे भी पता नहीं रेगुलर आएगी कि नहीं, लेकिन इस हफ्ते एक और नई वीडियो आएगी, उसके लिए तुम बने रहना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मज़ा आ जाएगा हमको, तुमको भी मज़ा आ जाएगा ऐसा कंटेंट देखने में। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।